हेलो, ये बताएं कि आज आपके कैंप में स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, आर पहने हुए हैं, ये क्या मजरा है, जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। हम लोग 69 दिनों से जनाब यहाँ पे बैठे हुए हैं इस उम्मीद से कि हुकूमत, जो हुकूमत बलोचिस्तान है, वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए हमारे मसाइल हल करे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का मसला है। इसके बावजूद हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। बारह हम उनसे मिले, हमारी मुलाकात हुई, हमने रैली निकाली, हम एहतजाजी कैंप पर बैठे हुए, फिर भी हमारा मसला हल ना हो सका। इसलिए हमारा अगला इक़्तदाम तादम मर्ग भूख हड़ताली कैंप है, जिसमें हम हमारे दोस्त बैठेंगे आज से इंशाल्लाह, और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते। अच्छा, ये बताएं, इस दौरान में आप एमसीसी भी बात हुई, गवर्नर साहब से भी आपने डेलीगेशन अपोजिशन से मिले, ये सवाल है, ज़रा बताएं, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? हमारी मुलाकात बिल्कुल, हमने हर किसी के दरवाजे खटखटाए, हमने किसी को नहीं छोड़ा, तो पेशरफ्त कुछ नहीं हुआ है अब तक। हमें जो रिस्पांस मिलना था, जो पॉजिटिव रिस्पांस, कुछ नहीं मिलना था। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि आए हमें रजिस्टर कर ले, वो अब तक हमें कुछ नहीं कर रहा है, ना ही हमारी कोई कमेटी बनाई जा रही है, ना ही कुछ। और पीएमसी की साथ हमारे मुसलसल वो हमारे दोस्त गए वहाँ पे, उनसे मुलाकात भी हुई, तो इसके लिए अगर हमारी हुकूमत बलोचिस्तान संजीदगी का मुजाहरा कर ले तो ये मसला बहुत ही जल्द हल हो सकता है। ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्टूडेंट की तरफ से क्या जमा कराना होता है, ये थोड़ा सा बता दें। अगर बेसिकली तौर पर देखा जाए कि रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल स्टूडेंट एक फॉर्म आती है, वो फॉर्म जमा करती है, उसके साथ 2000 से 5000 तक कुछ ऐसी फ़ीस रखी गई है, वो जमा होती है, ऑटोमेटिक बंदा जो एमडीकेट क्लियर करके आ जाए, उसने ये फॉर्म जमा करनी होती है, मखसूस फीस है, वो जमा करनी होती है, रजिस्टर हो जाता है। आपने ये फॉर्म जमा किए कि नहीं? एक जी सवाल, दूसरा सवाल ये कि पीएमसी की तरफ से क्यों इतना लेट हो रहा है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन की तारीख ख़त्म हो गई होगी तो फिर क्या होगा, क्या फिर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान या वफाक कुछ ऐसा कर सकेगी कि आपके कितने जो कदम मरदों के हड़ताल में बैठे, ये भी कोई मजाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख के बिठाया है। ये इसकी बात, पहली बात ये है कि बिल्कुल ना ही पीएमसी, ना ही जो हमारी हुकूमत बलोचिस्तान, वो अपने हमें अपना नहीं रही है। अगर वो लोग हमें अपना लें, हमारे रजिस्ट्रेशन की बात कर ले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना वो कोई बड़ी बात नहीं, लास्ट तारीख इसकी फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर तक आप किसी भी ईयर में आप जमा कर सकते हैं कि जिस साल में आपने जमा कर दी, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं होता है तो ये जो बंदे बैठे हैं, अगर खुदा ना खास अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, फिर क्या होगा? उसके बाद जैसे होता है, अगर आज तक कुछ नहीं हुआ है, अगर ये हमारे जो दोस्त भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए, अगर उनको कुछ हो गया, उसका डायरेक्ट जिम्मेदार हुकूमत बलोचिस्तान है, उसके लिए हम फिर नाम ले, किसी का नाम लेना चाहेंगे, वजीर आला है, वह खुद मीर अब्दुल कुद्दूस बिसंजो है, चीफ सेक्रेटरी है नूरलक है, एहसान शाह है, और पीएमसी है, और हमारे जितने भी कॉलेज के प्रिंसिपल है वो है, पीएमसी डायरेक्ट इसमें मतलब।